स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है, बेटी नहीं भेजी तो प्रेमी ने खुदकुशी की। लड़के के पिता बोले आर्य समाज मंदिर में की थी शादी, लड़की के दुपट्टे से लगाई फांसी। भिलाई के सुपैला थाना अंतर्गत 5 रास्ता निवासी सोनू सिंह 25 वर्ष पिता राजेश सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोनू ने 1 महीने पहले रामनगर मुक्तिधाम के पास की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद लड़की के पिता ने प्रेम विवाह को मानने से इनकार कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। इसी गम में सोनू ने गुरुवार देर शाम अपने घर में फांसी लगा ली। सोनू के पिता राजेश सिंह ने बताया कि उसका बेटा 22 साल की एक लड़की से प्रेम करता था। 1.5 महीने पहले वो लड़की को लेकर बिहार के गोपालगंज जिले के अपने पैतृक गाँव लड़िली भाग गया था। वहाँ उसने आर्य समाज में लड़की के साथ शादी कर ली। इधर लड़की के पिता ने वैशाली नगर थाने में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। सोनू 1 महीने तक लड़की के साथ गांव में रहा, इसके बाद उसे लेकर भिलाई अपने घर आ गया। लड़की के पिता को उनके लौटने का पता चला तो उन्होंने वैशाली नगर थाने में शिकायत की और पुलिस के साथ आकर लड़की को ले गया, फिर बेटी को भेजने से मना कर दिया। इसके बाद से सोनू अपने पिता से कहता था कि वो उस लड़की के बिना नहीं रह पाएगा। उसने गुरुवार को लड़की के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली। राजेश सिंह का कहना है उसका बेटा सोनू लड़की के गम में काफी दुखी था, वो बार बार मरने की बात करता था। इसके चलते उसने लड़की के पिता से दोनों की शादी कराने की बात भी की थी। अंतरजातीय विवाह होने के चलते लड़की का बाप तैयार नहीं हुआ। राजेश सिंह का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों बालिग थे। लड़की ने पुलिस के सामने थाने में यह बोला भी था कि वो सोनू के साथ रहना चाहती है। इसके बाद भी वैशाली नगर पुलिस ने जबरदस्ती लड़की को उसके पिता के साथ भेज दिया। राजेश का कहना है कि यदि लड़की की मर्जी पुलिस मानती और दोनों को साथ रहने देती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। सोनू इडली व डोसा का मिस्त्री था। शादी ब्याह या अन्य प्रोग्राम में वो कैटर्स के साथ जाता था। लड़की के चलते जाने से वो इतने गम में था कि उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। वो दिन भर अपने आप को कमरे में बंद रखता था और मोबाइल में लड़की और अपने विवाह व अन्य पलों की तस्वीरें देखता रहता था। राजेश सिंह का कहना है कि सोनू ने अपने पैतृक गाँव जाकर लड़की से शादी की थी। उसकी दूसरे कास्ट में शादी करने के बाद भी सोनू के दादा ने पोता बहू को स्वीकार कर लिया था। उनके पास दोनों 1 महीना रहे भी। जब सोनू वहां लौटा तो दादा ने उसे वह बहू को 60,000 रुपए विदाई भी दी थी।